आई थिंक ये वो मेन कैरेक्टर है जो लुक वाइज बहुत सिंपल से हैं। हाँ। इन्हीं की स्ट्रगल दिखाई है इसके अंदर। अच्छा, इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया उसके बाद वो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं परीजात का ओएसटी। परीजात के बारे में हम लोग इतना सुन चुके हैं, मतलब जिस जिस से पूछा है हमारे फ्रेंड्स सर्कल में, इंस्टाग्राम पे, या फिर अगर आप यूट्यूब पे देखो और उसके व्यूज देखो, सब लोगों ने ये ड्रामा देखा है। शायद हम ही रह गए हैं देखने के लिए। और हमने जितनी वीडियोज देखी है, हम मिस्टर नॉर्मन की वीडियोज को फॉलो करते हैं, हमने उनकी वीडियोज में भी परीजात के बारे में बहुत तारीफ सुनी है कि उसका जो मतलब जो लड़के का जो पूरी लाइफ दिखाई है, पूरा उसका स्ट्रगल दिखाया है, वो एकदम आपको रियल लगेगा। और ये तो पाकिस्तानी ड्रामास की मतलब क्वालिटी है कि आपको रियल ही लगती है सारी स्टोरीज। तो हम तो ये पूरा जो वो है वो देखना चाहते हैं। क्या आप भी हमारे साथ ये इसके एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए पहले इसका परीजात का ओएसटी देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हमने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें टॉप 5 जब भी पाकिस्तानी ड्रामास का जिक्र छिड़ा है तो उसमें परीजात का नाम डेफिनेटली हर एक वीडियो में आया है कि हमें ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये बात हमेशा रहती है कि हमें परीजात देखना है। और आजकल इतने नए ड्रामास बैक टू बैक आ रहे हैं ना कि हम इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि नए वाले फॉलो करें या पुराने वाले देखने शुरू करें। तो अभी हाल फिलहाल ही जो है हमने कभी मैं कभी तुम के एपिसोड्स खत्म किए हैं, तो वो तो ड्रामा मतलब नेक्स्ट लेवल, हमें काफी सालों तक वो याद रहने वाला है और डेफिनेटली हम उस ड्रामा को बहुत मिस करेंगे। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि कोई और ड्रामा अब नया शुरू करें, तो परीजात हमारे जहन में था। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस ड्रामा के बारे में आप हमारा रिएक्शन देखना चाहेंगे या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आई थिंक ये इसके मेन हीरो हैं जो डार्क कॉम्प्लेक्शन में। रूप के किनारों पर रेशमी अंधेरे हैं, सुरमई उजाले हैं, एक नाज़ आफरीद कब्जा जमाए बैठी है, जिसकी झील आंखों में दो नील गूंज से प्याले। आई थिंक ये वो मेन कैरेक्टर है जो लुक वाइज बहुत सिंपल से हैं। हाँ। इन्हीं की स्ट्रगल दिखाई है इसके अंदर। अच्छा, इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया उसके बाद वो अच्छे लेवल पे पहुंच गए। कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुजरी है, सारे बड़े बड़े स्टार है उसमें। ऐसा क्यों लग रहा है कि जितनी भी इसके अंदर एक्ट्रेसेस दिखा रही हैं
वो इनसे प्यार करती है, तो कुछ तो कनेक्शन है सबका आपस में। लेकिन जहां मैं बसता हूं वहां मंदिरों पे तारे हैं, क्या इश्क वो निभाएंगे, क्या हुस्न को सराहेंगे, तारीख जिनके चेहरे हैं, मुकद्दरों पे जाने हैं। दुश्मनों से क्या शिकवा, क्या गिला रकीबों से, ये सांप आंसू तीनों में हमने खुद ही पाले हैं, ये सांप आंसू तीनों के हमने खुद ही पाले हैं। ड्रामा सीरियल परीजाद, परीजाद का ओएसटी देख के तो मजा आ गया, मतलब कितना अच्छा था, और जो इतना स्लो और इतना सॉफ्ट म्यूजिक था उसका, पर उसके जो लिरिक्स थे वो बहुत ही डीप मीनिंग के साथ थे, बहुत गहरे थे। और मतलब जैसे कि उसका पूरा दिखाया है कि उसने कैसे स्टार्ट किया, कैसे उसके हाथ काले हो जाते, वो शायद एक मैकेनिक था, पर वो जितना मुझे इस ओएसटी से समझ में आया कि वो करते करते वो उसने कार्स बिल्ड करनी शुरू करी और वो फास्ट कार्स बनाता था, शायद ऐसा ही है। और फिर सारी लड़कियां उसको, जितनी भी इसके अंदर दिखाई है, मुझे तो लगा कि कोई ना कोई लड़कियां उससे प्यार करती हैं, क्योंकि दिखाया तो ऐसा ही है। और नॉर्मन इजाज तो मुझे बहुत पसंद है, और उनका भी रोल बहुत कमाल का होने वाला है इसके अंदर, तो मुझे तो बहुत इंतजार है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर रिएक्ट करें तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। बिल्कुल, स्टोरी लाइन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और बहुत डिफरेंट सी लगी मुझे, मतलब मुझे प्रॉपर लव स्टोरी भी नहीं लग रही थी, और आई थिंक एक स्ट्रगल की स्टोरी है, एक कॉमन से लुक वाले इंसान की स्टोरी जो बहुत कॉमन सा लगता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो है बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो उसकी लाइफ में आते हैं, और शायद आई थिंक उसकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज होती रहती है, तो इंस्टेंट कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में चलता रहता है, तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार उस इंसान के साथ ऐसा क्या होता है जो उसकी लाइफ जो है बिल्कुल फर्श से अर्श की तरफ पहुंच जाती है। तो हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस ड्रामा के लिए, तो अगर आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो ठीक है गाइस, हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।